आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन शिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। आज अपन कक्षा नौवीं के विज्ञान विषय के अध्याय 3 परमाणु तथा अणु का भाग 3 लेकर आए हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा परमाणु द्रव्यमान। तो परमाणु द्रव्यमान को समझने के पहले अपन जॉन डॉल्टन का 2 सिद्धांत देखते हैं, स्थिर अनुपात का नियम और द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इन्हीं नियमों के आधार पर जॉन डॉल्टन ने बताया कि प्रत्येक तत्व का अपना एक परमाणु द्रव्यमान होता है, अर्थात किसी भी परमाणु का एक परमाणु द्रव्यमान एक अभिलाक्षणिक गुण है। और इस नियमों को जानने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा एग्जाम्पल रहेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र है CO, जिसमें कार्बन तथा ऑक्सीजन, ठीक है ना। तो कार्बन तथा ऑक्सीजन, माना कि अपन कार्बन 3 ग्राम लेते हैं और ऑक्सीजन को अपन 4 ग्राम लेते हैं, अर्थात 4/3 ग्राम अपन ऑक्सीजन और कार्बन का अनुपात लेते हैं। तो अपन देखते हैं कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन परमाणु के साथ में संयुक्त होकर एक यौगिक या तत्व या अणु का निर्माण करता है। इसमें मानते हैं परमाणु, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान अपन माना कि एक इकाई के रूप में लें तो 1 U लेते हैं, और तो अपन ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान लेंगे 1.33 U। U मतलब यूनिफाइड है, यहाँ एक इकाई है। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU से प्रदर्शित किया जाता था। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते थे? AMU। AMU का मतलब होता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई। ये परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करने का एक मात्रक था AMU। बाद में IUPAC पद्धति आई। अभी जो संस्था चलती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, वह इस AMU शब्द को यहाँ से हटाकर एक अन्य नया शब्द प्रयोग में लेते हैं अपन मानक के रूप में, वह क्या है? U को अपन बोलते हैं यूनिफाइड। तो परमाणु द्रव्यमान को आगे अपन किससे पढ़ेंगे? यू से, यूनिफाइड से। पहले किससे पढ़ा जाता था? AMU से, एटॉमिक मॉलिक्यूलर यूनिट, परमाणु द्रव्यमान इकाई, ये इसकी फुल फॉर्म है। अपन इससे प्रदर्शित करते हैं तो अपन देखो एक एग्जाम्पल देखते हैं कि इसके बाद में परमाणु द्रव्यमान के लिए अलग अलग वैज्ञानिक अलग अलग अपनी राय देते हैं। तो उसके बाद देखो उनके द्रव्यमान की इकाई को यथासंभव अपन देखते हैं कि एक पूर्णांक में या लगभग पूर्णांक में होना चाहिए। इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिकों ने ऑक्सीजन को, यानी प्रकृति जन्य ऑक्सीजन थी, जो प्रकृति में जो ऑक्सीजन उपस्थित थी, इनको लेकर इन्होंने ये बताया कि ऑक्सीजन के परमाणुओं के 1/16 भाग को इकाई के रूप में व्यक्त किया जाएगा। अब परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात करने के लिए ऑक्सीजन का 1/16 भाग, यानी 1/16 भाग को एक इकाई के रूप में व्यक्त किया जाएगा। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए फिर इन्होंने परमाणु द्रव्यमान की व्याख्या की। तो ऑक्सीजन को इस परमाणु द्रव्यमान के लिए सटीक क्यों माना गया, जिसका कारण था, इसके देखो 2 निम्नलिखित कारण मिले। पहला कारण था ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है, अर्थात ऑक्सीजन बहुत सारे यौगिकों के साथ में अभिक्रिया करके यौगिक बनाने की क्षमता रखता है। दूसरा उसका कारण था कि इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा, यानी जो अपन 1/16 परमाणु द्रव्यमान की इकाई काम में ले रहे हैं, इसके द्वारा बहुत सारे यानी अधिकांश परमाणु द्रव्यमानों का पूर्णांक प्राप्त हो जाता है, जिससे पूर्णांकों को प्राप्त करने में सरलता प्राप्त होती है। इस प्रकार से पहले कार्बन को और ऑक्सीजन को संयुक्त मानते हुए परमाणु द्रव्यमान की इकाई की व्याख्या की गई, उसके बाद ऑक्सीजन के 1/16 भाग को एक इकाई के रूप में व्यक्त करके, यानी कहने का मतलब है किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है
तो वो अपन एक में लेंगे तो उसका एक बटा जो 16वां भाग होगा वह उसका परमाणु का द्रव्यमान परमाणु द्रव्यमान कहलाएगा। इसके पश्चात 1961 में परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए एक समस्थानिक का प्रयोग किया गया जिसका नाम था कार्बन 12। तो कार्बन 12 एक समस्थानिक है। समस्थानिक का मतलब होता है कि वे तत्व जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होता है लेकिन उसके द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। और इनको अपन अगले पार्ट में समझेंगे कि समस्थानिक होते क्या हैं। तो कार्बन भी एक प्रकार का समस्थानिक है। कार्बन दो रूपों में रहता है, कार्बन C12 और C14 के रूप में रहता है। तो यहाँ पर परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए किसको लिया गया, C12 C12 को प्रयोग में लिया गया, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कार्बन 12 एक समस्थानिक को एक इकाई के रूप में व्यक्त किया गया। उन्होंने ये बताया कि किसी भी परमाणु का अपन को परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो उसको कार्बन के परमाणु के 1/12 भाग को एक मानक इकाई के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा। इसको अपन सरलतम तरीके से समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं कि एक फल विक्रेता फल बेचने के लिए किसी मानक इकाई का प्रयोग नहीं कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, एक तरबूज के 12 टुकड़े किए बराबर और उन 12 टुकड़ों को प्रत्येक टुकड़े को एक फल के बराबर इकाई के रूप में उन्होंने व्यक्त किया। अर्थात उन्होंने ज्ञात किया कि कोई भी फल है वह एक टुकड़े के मानक के बराबर माना जाएगा या उसे औसत के बराबर माना जाएगा। इस प्रकार से कार्बन 12 का समस्थानिकों का परमाणु द्रव्यमान के रूप में उसकी व्याख्या की गई। तो उन्होंने जब एक परिभाषा ज्ञात की, किसी तत्व के सापेक्षित परमाणु द्रव्यमानों को उसके परमाणुओं के औसत द्रव्यमान का कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के अनुपात द्वारा परिभाषित किया गया। तो परमाणु द्रव्यमान की परिभाषा क्या रखी गई, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना है तो वह कार्बन परमाणु के 1/12 भाग के अनुपात के रूप में परिभाषित की जाएगी। इस प्रकार से अलग अलग वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के रूप में अलग अलग व्याख्याएं की। परंतु बाद में अपन जॉन डाल्टन के बाद थॉमसन का, रदरफोर्ड का और नील्स बोर के सिद्धांत पढ़ेंगे। उन सिद्धांतों के बाद परमाणु द्रव्यमान की नई परिभाषा ज्ञात हुई जो अपन अगले पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब हमारा एक नया टॉपिक रहेगा परमाणु का अस्तित्व। क्या प्रकृति में परमाणु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो हमारा आंसर रहेगा नहीं। परमाणु संयुक्त अवस्था में रहते हैं, वह पुंज के रूप में रहते हैं। अर्थात जो क्रियाशील जो परमाणु हैं तत्व हैं उनके जो परमाणु होते हैं वह पुंज के रूप में रहेंगे। अर्थात वे कभी भी स्वतंत्र अवस्था में या एकल अवस्था में नहीं रहते। इसी कारण से परमाणु अति सूक्ष्म होते हैं, अपन को दिखाई नहीं देते। परंतु प्रकृति में अणु स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। परमाणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, अणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। तो आज हमारा टॉपिक परमाणुओं का जो था आज यहीं पर समाप्त होता है। अगले अपन वीडियो के अंतर्गत अणु से बनने वाले तत्व, अणु से बनने वाले यौगिक और उनसे बनने वाले नए नए अणुसूत्र या रासायनिक सूत्रों को पढ़ेंगे, रासायनिक सूत्रों को लिखने के तरीके समझेंगे। इस प्रकार से आगे हमारा अगला टॉपिक ये रहेगा अणु का टॉपिक, ठीक है ना। परमाणु का टॉपिक आज हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप इसका जो गृह कार्य रहेगा जो मैं पीडीएफ भेजूंगा वह गृह कार्य आपको अपनी कॉपी के अंतर्गत लिखना है। धन्यवाद।